अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज का हमारा लेक्चर है क्लास सिक्स का, सब्जेक्ट है मैथ, लेक्चर नंबर थ्री। सब्जेक्ट मैथ का लेक्चर नंबर थ्री है आज हमारा। हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है 1.2 का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इनटू डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। अब जबकि देखिए हमारे पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म आ गया, हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म की क्वेश्चंस करने से पहले हम पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं कि डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होता क्या है। आइए डिस्कस करते हैं। ये हमारे पास डिस्क्राइबिंग अ सेट की टू हमारे पास फॉर्म्स हैं। फर्स्ट फॉर्म है हमारी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, सेकेंड फॉर्म है हमारे पास टेबुलर फॉर्म। डिस्क्राइबिंग फॉर्म का ये है, डिस्क्राइबिंग का सेट हमें हम पढ़ेंगे, ये सेट को डिस्क्राइब करने की फॉर्म, यानी हम सेट को किस तरीके से लिख सकते हैं हमने ये बताना। हम इसको टू टाइप्स में हम लिख सकते हैं, यानी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में और टेबुलर फॉर्म में। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले फर्स्ट फॉर्म को देखते हैं, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या है। इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म वी डिस्क्राइब द प्रॉपर्टी ऑफ अ सेट बाय अ स्टेटमेंट एज गिवन इन द फॉलोइंग एग्जांपल। कहते हैं कि डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं वो हमने पढ़ना है, यानी हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हमने स्टेटमेंट में लिखना होता है। ये देखें, प्रॉपर्टी ऑफ अ सेट बाय अ स्टेटमेंट, हमने उसकी प्रॉपर्टी को किससे जाहिर करना है, स्टेटमेंट से जाहिर करना है, एज गिवन इन द फॉलोइंग एग्जांपल, जैसे हमें एग्जांपल में बताया जा रहा है, जैसे हमने फॉलो करना है एग्जांपल को। फर्स्ट है हमारे पास द सेट ऑफ इंग्लिश बुक्स इन द लाइब्रेरी, यानी कि अगर हमें कुछ बुक्स के नाम दिए जाते, इंग्लिश की बुक्स के नाम दिए जाते, जैसे इंग्लिश क्लास थ्री इंग्लिश, क्लास फोर इंग्लिश, ये क्या है, एक सेट ऑफ इंग्लिश बुक्स का हो जाएगा लाइब्रेरी में। इसी तरह बी है द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, हमें कोई से भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ए सो ऑन चलते जाते नंबर, तो हम इसको क्या कहते हैं, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, यानी कि ये सेट कौन सा है, नेचुरल नंबर्स का है। सी है हमारे पास द सेट ऑफ एनिमल्स इन द जू, हमारे पास कुछ एनिमल्स के नेम होते हैं जैसे एलिफेंट, लाइन, ज़ेब्रा, इस तरह हम होते हैं, हम इनको क्या करेंगे, किस तरह इन्हें हम बयान करेंगे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, हम लिखेंगे द सेट ऑफ एनिमल्स इन द जू, जो चिड़ियाघर में रहते हैं, लाइन, एलिफेंट, स्नेक, मंकी, इस तरह, ठीक है। नेक्स्ट हम टेबुलर फॉर्म को हम डिस्कस करते हैं, टेबुलर फॉर्म क्या है। देखें टेबुलर फॉर्म, इन टेबुलर फॉर्म वी लिस्ट ऑल एलिमेंट्स विद इन द ब्रैकेट्स, ये ब्रैकेट्स है हमारे पास, एंड सेपरेट ईच एलिमेंट बाय यूजिंग अ कॉमा। द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट कैन बी लिस्टेड हैज, रिपीट कर रही हूँ मैं, इन टेबुलर फॉर्म वी लिस्ट ऑल एलिमेंट्स विद इन द ब्रैकेट्स एंड सेपरेट ईच एलिमेंट बाय यूजिंग अ कॉमा। द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट कैन बी लिस्टेड हैज, कहते हैं टेबुलर फॉर्म सेट की एक ऐसी फॉर्म होती है जिसको हम एलिमेंट्स में लिखते हैं, एलिमेंट्स में लिखते हैं, यानी आपको पता है ना, एक सेट का एक एक एलिमेंट, एक सेट के जो नंबर होते हैं जो कॉमर्स में होते हैं, उनका ये एक एक डिजिट क्या है, मेंबर्स होता है या एलिमेंट्स कहलाते हैं, ठीक है। फर्स्ट देखते हैं फॉर अ फ्यू नंबर ऑफ एलिमेंट्स, फॉर अ फ्यू नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कुछ हमारे पास नंबर हैं एलिमेंट्स में, ये ए एलिमेंट्स हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। अगर इसको हम उस फॉर्म में करते हैं, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखते, तो ये हमारे पास नेचुरल नंबर बन रहे हैं। हम क्या कहते हैं, हम इसको कैसे लिखते, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, इसी तरह लिखना था हमने। अब हमें नेचुरल नंबर्स, हमें वो स्टेटमेंट दी हुई थी, हमने क्या किया, हमने
डिस्क्रिप्टिव फॉर्म को टेबुलर फॉर्म में हम ले आए, यानी हमने एक एक डिजिट के बाद कॉमर्स लगाना होता है। ठीक है स्टूडेंट, सेकंड देखते हैं, फॉर मोर बट लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स। कहते यानी उन्होंने कहा है कि बहुत ज़्यादा लेकिन लिमिटेड हो, फाइनाइट ना हो, फाइनाइटेड ना हो, इनफाइनाइटेड हो, इसलिए हमने लिमिट कर दी 500 तक, यानी अनलिमिटेड ना होते, यानी अप टू सो ऑन ना होते, हमने क्या कह दी, एक लिमिट लगा दी कि 500 से अबव नहीं है, ठीक है 500 तक है। फिनिटेड हो ना हो, इनफिनिटेड होना चाहिए। ठीक है, इसी तरह हमने इसको लेके अपनी एक्सरसाइज 1.2 को हमने सॉल्व करना है। समर पैक पर आए, जैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 था, राइट दी फॉलोइंग सेट्स इनटू द डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, यानी टेबुलर फॉर्म में हमें उन्होंने दिया हुआ है, हमने क्या करना है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हमने लिखना है। देखें फर्स्ट हमारे पास क्या है, वन ए सेट है हमारे पास इज इक्वल टू ब्रैकेट 1, 2, 3, 4, 5, 6, हम क्या लिखेंगे, ए इज इक्वल टू द सेट ऑफ काउंटिंग और नेचुरल नंबर लेस देन 7, 7 से कम है ना, 6 तक है ना, और ये हमारे पास काउंटिंग भी है और नेचुरल नंबर भी है, हम क्या करेंगे, द सेट ऑफ काउंटिंग और नेचुरल नंबर लेस देन 7। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हम करेंगे थर्ड पार्ट करेंगे, हम हमारे पास सी पार्ट में उन्होंने क्या दिया हुआ है, उन्होंने गेम्स के नेम दिए हुए हैं, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, टेनिस, हम क्या लिखेंगे, ये क्या है, ये किसका सेट है, द सेट ऑफ 4 गेम्स, 4 गेम का सेट है। नेक्स्ट आप आए एच वाले पार्ट पर आए, एच इज इक्वल टू 1, 3, 5 अप टू सो ऑन, क्या है हमारे पास, 1, 3, 5 हमने अगर आपको याद हो आपने पढ़ी हुई है डेफिनेशन, इवन नंबर, ऑड नंबर, तो हमने पढ़ा था कि ऑड नंबर किस पे, किन किस यूनिट पे एंड होते हैं, 1, 3, 5, 7, 9, ठीक है इसी तरह। तो यहाँ पे क्या था, सेट ऑफ ऑल, सॉरी द सेट ऑफ इवन नंबर आएगा यहाँ पे, हमारे पास ये इवन नंबर हैं, होल्स नंबर्स नहीं है। द सेट ऑफ ऑड नंबर्स, कौन से नंबर्स हैं, ऑड नंबर्स, नीचे जो उनसे सेट है ना वो गलती से ऊपर रिपीट हो गया, क्या है हमारे पास, 1, 3, 5 अप टू सो ऑन, हमारे पास है द सेट ऑफ ऑड नंबर्स। ठीक है, ये हमारे पास किसका सेट है, ऑड नंबर्स का। नेक्स्ट पेज पर आ जाए, नेक्स्ट हमारे पास जे इज इक्वल टू फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, ये किसका सेट है, ये कहाँ पे होते हैं, घर में होते हैं ना, यानी हमारी फैमिली जो होती है उन्हीं को हम, हमारी फैमिली में होते हैं ना, फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, हम क्या कहेंगे, द सेट ऑफ 4 फैमिली मेंबर्स, ये क्या है, 4 फैमिली मेंबर्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सेकंड हमारे पास है क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग सेट्स इनटू द टेबुलर फॉर्म, ए पार्ट हमारे पास, अभी इन्होंने क्या किया हुआ है, हमें डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में दिया हुआ है, हमने क्या करना है, इन्हें टेबुलर फॉर्म में लिखना है। फर्स्ट हमारे पास है द सेट ऑफ नेम्स ऑफ 3 बॉयज, दोज नेम्स स्टार्ट विद लेटर बी, कहते हैं हमने क्या करना है, हमने 3 नेम्स का सेट बनाना है जो बी से स्टार्ट होता हो, लेकिन बॉयज लड़कों के नाम होने चाहिए, फर्स्ट बिलाल, बाबर, बदार, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है द कहते हैं द सेट ऑफ नेम ऑफ 3 गर्ल्स, दोज नेम स्टार्ट द विद लेटर आई, यानी हमने यहाँ पे भी 3 नेम्स का सेट बनाना है बट आई से, और किसके नेम्स होने चाहिए, गर्ल्स के, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है सी द सेट ऑफ 4 डोमेस्टिक एनिमल्स, डोमेस्टिक एनिमल्स जो 4 घरेलू जानवर का सेट जो घर में रखे जाते हैं, पाले जाते हैं, उनका हमने क्या करना है, सेट बनाना है, फर्स्ट गॉट, बकरी, काओ, गाय, हैन, मुर्गी, डॉग, कुत्ता, हम घर में पालते हैं ना, ये क्या है हमारे पास, द सेट ऑफ 4 डोमेस्टिक एनिमल्स।
आगे हमने क्या करना था, सेट ऑफ फाइव बर्ड्स, हमने पांच परिंदों के नाम लिखने हैं, कोई से भी, स्पैरो, ईगल, पिजन, इस तरह हमने क्या करना है, बर्ड्स के नेम लिखने हैं। ईव है हमारे पास द सेट ऑफ थ्री प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, हमारे पास क्या नेम्स हैं, बेनज़ीर, नवाज शरीफ, शौकत अज़ीज़। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, द सेट ऑफ फाइव फेमस सिटीज ऑफ पाकिस्तान, हमने कोई सी फाइव मशहूर शहरों के नाम लिखने हैं जो पाकिस्तान में हैं, जैसे कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, इस तरह अपने मशहूर जगहों के नाम लिखने हैं, सॉरी शहरों के नाम लिखने हैं। जी हमारे पास द सेट ऑफ लेटर ऑफ द वर्ड बनाना, यानी कि हमने वो वर्ड लिखने हैं जो बनाना में इस्तेमाल हुए हैं, तो हम यहाँ पर देखेंगे बी ए एन फिर ए एन हमारे पास इस्तेमाल हो रहा है, हम क्या करेंगे जी बी ए एन लिख देंगे हम। द सेट ऑफ वॉवल ऑफ द वर्ड नॉटी, नॉटी में जो जो वॉवल वर्ड यूज़ हुए हैं हमने वो लिखने हैं। आई पार्ट हमारे पास द सेट ऑफ ग्रेट ग्रेट नहीं सॉरी द सेट ऑफ ईयर ग्रेटर देन 2006 एंड लेस देन 2009, ठीक है। हमारे पास क्या आता है 2007 2008। नेक्स्ट हमारे पास सेट ऑफ थ्री बेकरी आइटम्स, हमने कोई सी भी थ्री बेकरी आइटम्स के नेम लिख देने हैं, हमने सेट बनाना है। बच्चों आज का हमारा लेक्चर नंबर 3 हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है, आपको जिस क्वेश्चन की समझ नहीं है कि आपने मेरे से पूछ लेना है ग्रुप में। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।